हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ कार्यालय से हिस्सा लिया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार को बताया कि हरियाणा के SYL और हांसी बुटाना लिंक नहर जैसे मामले काफी समय से लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने इन मुद्दों पर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, ताकि हरियाणा के पानी की समस्या का जल्द हल हो सके। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि हरियाणा में पराली पूर्ण निस्तारण के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में जमीनी स्तर पर गरीब लोगों की क्षमता और आवश्यकता की जानकारी के लिए विशेष योजना परिवार पहचान पत्र योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि GST कलेक्शन में हरियाणा देश में बड़े राज्यों में सर्वाधिक कलेक्शन कर रहा है। तो जो निवेदन है केंद्र सरकार से कि हमारा जो SYL का विषय, हांसी बुटाना का विषय, ये बहुत समय से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें एक इंटरवेंशन आप लोग की चाहिए और ये काम अगर होता है तो हमारी पानी की समस्या वो इसमें से हल होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अन्यथा हमारे यहाँ डार्क जोन एरिया वो निरंतर बढ़ रहा है, तो इस पर हम ध्यान देना है हमें। पराली के निस्तारण के लिए केंद्र सरकार में पेट्रोलियम विभाग से हमने बातचीत की है, ताकि पराली का निस्तारण पूरे रूप से हो जाए और कंप्रेस्ड बायोगैस इसके प्लांट्स ज्यादा ज्यादा लगे। 100 प्लांट्स की हमने रिक्वायरमेंट रखी है, मुझे लगता है कि इस पर सफलता मिलेगी तो पराली का जो निस्तारण है, प्रदूषण का विषय है, इसको हम समाप्त करा पाएंगे। ग्रास रूट पर डिलीवरी के लिए मैंने विशेष एक कार्यक्रम शुरू किया है, वो है परिवार पहचान पत्र। अभी तक नागरिक पहचान पत्र के अलावा परिवार पहचान पत्र की नई व्यवस्था खड़ी करने के बाद परिवारों की जो क्षमता है, जो उनकी आवश्यकता है, इसकी जानकारी मिलने के बाद हम लोग जो है उसको ठीक डिलीवरी दे पाएंगे। ऐसा एक अंत्योदय की भावना से जो गरीब परिवार हैं उन तक ये सारी सुविधाएं पहुंचाएंगे। GST कलेक्शन हमारे यहाँ हरियाणा में बड़े राज्यों में सर्वाधिक GST कलेक्शन है, लेकिन उसमें एक अध्ययन करने के बाद बात ध्यान में आई है, क्योंकि कंज्यूमर बेस्ड GST होने के कारण से हमारा जो ICT है वो सबसे ज्यादा हमको वापस लौटाना पड़ता है 55%, अर्थात 100 रुपए में से केवल हमको 22 रुपए काम आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर कोई योजना बना करके कि जिनका GST कलेक्शन अच्छा है लेकिन उसका इनपुट क्रेडिट टैक्स उनको वापस करना पड़ता है ज्यादा, तो उनकी न्यूनतम गारंटी की विषय अगर कोई बनता है तो हमको उसका लाभ हो सकेगा।